अब हमारे बहुत से मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स, माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स, रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स सभी यहां पे यूज होने वाले हैं। मैं इसे यहां से कर देता हूं रिमूव। मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूं यूजर का, जिसके अंदर हम यूजर की प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं या प्रोफाइल में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है उस पर वर्किंग करना सीखते हैं, और इसके साथ इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्रूड ऑपरेशन सॉरी फॉर्म एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहां से कंट्रोलर क्रिएट करता हूं, मैं से नाम दे देता हूं ऐप यूजर्स या ऐप यूजर कंट्रोलर का। प्राइवेट माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस ऐड कर लिया, और इसके बाद माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, मैंने कैटेगरी के अंदर भी माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसी तरह मैं ऐप यूजर्स में भी माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसी तरह प्रोडक्ट में भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमारी ये एक सिंगल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ वन टाइम कनेक्ट होगी। अब जब ये एप्लीकेशन वन टाइम कनेक्ट होगी तो क्या डेटाबेस का ऑब्जेक्ट एक दफ़ा ही क्रिएट होना चाहिए या हर एक फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए? ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमने क्रूड ऑपरेशंस को और इन फॉर्म एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंट करना है, जिसे हम ASP.NET कोर में या प्रीवियसली भी हम इसे इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन .NET कोर में हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का नाम देते हैं, कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर मेरा ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट होना चाहिए, बाकी जब भी हमने यूज़ करना है तो ये ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो रहा हो। तो इसे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, पहले इन बेस फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने विद इन द टाइम कवर अप करने हैं। अब मैं ऐप यूजर के अंदर आ जाता हूँ, इसका एक मॉडल क्रिएट करता हूँ ऐड, और क्लास में आगे इसका भी हम नेम रख लेता हूँ, लेट्स से ऐप यूजर, और यहां से मैं क्रिएट कर लेता हूँ यूजर आईडी, और इसका मैं नेम रख लेता हूँ लेट्स से यूजर नेम, इसे मैंने आईडी असाइन कर दी, प्राइमरी की सेट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आके इसके टेबल नेम को भी हम सेम रखना चाहे सेम रख लें, डिफरेंट रखना चाहे तो डिफरेंट रख लें, या हम ना भी यूज़ करें तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जौन सा ऑब्जेक्ट हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करेंगे वो क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देंगे तब हमारा ये नेम डेटाबेस में क्रिएट होगा। अब मैं आ जाता हूँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल क्रिएट करने के बाद इस मॉडल को डीबी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवाना। तो यहां से आके मैं इसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवा लेता हूं ऐप यूजर, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा माइग्रेशन अप्लाई करना। सो मैं माइग्रेशन अप्लाई कर लेता हूं, ऐड माइग्रेशन, एडिट ऐप यूजर मॉडल, ओके मेरी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही सक्सेसफुली क्रिएट हो तो अब मैं इस पे अपडेट डेटाबेस की कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, अपडेट डेटाबेस, तो अब मेरा ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा।